अब हम देखेंगे दो दशमलव संख्याओं को जोड़ना, ठीक है बच्चे, और घटाना, ठीक है। सबसे पहले बढ़ते हैं हम जोड़ने की तरफ, जोड़ो घटाओ। दो दशमलव का योग, संख्याओं का योग घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखे कि दोनों का दशमलव स्थान सात हो। मतलब समझो कि आपके पास मान लीजिए दो नंबर है, ठीक है, मान लीजिए दो नंबर है 7.45, इसको जोड़ना है 1.67 से, ठीक है। तो बेटा हमेशा याद रखना, मैं एक बार बता दूं, पहले पहली वाली एक संख्या लिख लो, फिर दूसरी लिखने से पहले उसका दशमलव लगा लो, और दशमलव के दाई तरफ जितनी से एक ही संख्या तो मैंने एक लिख दी, इसके इस तरफ दो है तो मैंने दोनों लिख दी। अब नॉर्मली जैसे हम जोड़ते हैं ना वैसे ही जोड़ दो, जोड़ना तो सबको आता है ना। 7 और 5 13, 7 और 5 कितना होगा 12, 12 का 2 हासिल 1, 10 और 11, 11 का 1 हासिल 1, कितना आ गया 9। और दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो तो 9.12 हमारा क्या हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है, मेरा कहने का क्या मतलब था मैम? हाँ बेटा, आपने यहाँ पे 2 लिखा, 3 आएगा। एक मिनट, 12 बेटा, 7 और 5 तो कितना होता है, 7 और 5 12 ही तो होता है। तो बेटा 12 के तो 2 ही तो लिखा है मैंने यहाँ, 7 और 5 तो बेटा 12 ही होता है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है ना। चलो अच्छा सोचो, आप सभी बच्चे सोचो, अब मुझे आप लोग बताना, ठीक है। मैं एक नंबर लिखती हूँ, ठीक है। मान लो बच्चों मेरे पास नंबर है 4.45.23, इसे मुझे जोड़ना है 0.5 से, क्या करेंगे? चलो करो अपनी कॉपी में और फिर मुझे दिखाओ, और चैट में आंसर पहले लिख देना। ठीक है, ठीक है, आ रहे हैं आंसर बच्चों के। चलो कॉपियां दिखा दो जरा अपनी, क्या कर रहे हो, मैं भी तो जरा देखूं बच्चों कि आप लोग कर क्या रहे हो। दिखा दीजिए सभी बच्चे, ठीक है। एक बच्चे ने दिखाया, वेरी गुड, और वेरी गुड बेटा, जांगरा गर्ल के आईडी से जो बच्चा है। नहीं बेटा गलत है, अन्नू की आईडी से जो बच्चा है ना बेटा, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, कोई बात नहीं, मैं अभी बताऊंगी, दिखाऊंगी, बहुत अच्छी बात है। इससे मुझे बेटा ये पता लगता है कि आप लोग कहाँ मिस्टेक करते हो। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। दर्शन गौतम की आईडी से बेटा पीछे करो, मुझे दिख नहीं रहा है कुछ भी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। पहले सॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं लिखना है, पूरा करके दिखाना है। जिद्दी पुनिया की आईडी से वेरी गुड बेटा, पर पहले आपने गलत किया था। यस, अब सही किया है। अन्नू की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा, अगर अपनी गलती पता लग जाती है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों, देख लिया मैंने सबका। अब आ जाते हैं दोबारा से हम अपने क्वेश्चन पे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? हमारा क्वेश्चन था बेटा, मैंने बोला था 45.23, ठीक है। अब पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लगा लो, उसके बाद देखो पॉइंट के इस तरफ दो जीरो है तो जीरो, और पांच उसके बाद, बेटा पांच यहाँ नहीं आएगा, उसके जिसके बाद है ना पॉइंट के बिल्कुल बाद पांच है तो उसी के नीचे लगा दो, ठीक है। अब इसे जोड़ो, जीरो तीन के नीचे कुछ नहीं है तो तीन ही आ जाएगा, सात आ जाएगा, पांच आ जाएगा, चार आ जाएगा। तो इनको जोड़ना बहुत ईजी होता है, बट ये ध्यान रखना है कि पॉइंट कहाँ आएगा, और पॉइंट के दाई और वाली दाई और संख्या
बाई और वाली बाई ओर। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है, क्या कहना चाह रही हूं मैं, यस और नो? कोई मेरा बच्चा जिसको डाउट हो? मैम मैंने पहले है ना तीन के नीचे पांच लगा दिया था। यस बेटा, आपने पहले वो गलत किया था, बट कोई बात नहीं, मेन ये है अभी फिर आपको पता लग गया ना गलती, इसीलिए तो मैं कॉपियां देख रही हूँ ताकि मुझे बच्चों की बात से पता लग सके कि आप कहाँ गलतियां करते हो, है ना। चलो एक नंबर और बताओ बच्चों जरा। मेरे पास नंबर है 0.351 और मुझे इसे जोड़ना है 35.203 से। चलो बता दो जरा इसका आंसर क्या होगा, कर दीजिए जरा, कर दीजिए जरा, दोनों को जोड़ना है जोड़ दीजिए। तीन नहीं है बेटा, हाँ 0.351 प्लस 35.203, ठीक है ठीक है। चलो दिखाओ जरा कॉपियां अपनी, सभी बच्चे देख लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो पहले, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और दूसरा बच्चे किसकी है? यस वेरी गुड, बहुत साफ सुथरा लिखा, अच्छी राइटिंग है बेटा, वेरी गुड। झांकला गलती आएगी से, यस वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन काम किया हुआ है। अच्छा जिसका देखती जाती हूँ ना बेटा वो बंद कर लिया करना, क्योंकि बाकी बच्चों को ना फिर कंफ्यूजन रहती है। वेरी गुड, जिद्दी पुनिया की आईडी से बच्चा है, वेरी गुड। डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, अमन काला की आईडी से बच्चा है, वेरी गुड। प्रीति जांगरा की आईडी से, वेरी गुड। दर्शन गौतम की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा, गुड गुड गुड, मतलब सबने किया है। शिव कुमार की आईडी से बच्चा, बेटा मेरे को आपको नहीं देखना है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको नहीं बंद करना है, मत कीजिए, आपकी कंप्लेंट ना आपके स्कूल में चली जाएगी, फिर अपने टीचर से आप बात कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है बेटा। कुलदीप की आईडी से बच्चा है, बेटा ये तो पहले वाला है, दूसरा वाला दिखाओ, ये नहीं देखना, ये तो पहले वाला दिखा रहे हो आप, पीछे करो, नीचे नीचे करो और कॉपी में, ये तो पहले वाला है, मैं दूसरा देख रही हूँ जो अभी मैंने दिया है वो बताओ। चलिए देख लेते हैं बच्चों, वेरी गुड। मेरा ये देखने का मतलब ही बेटा ये है ताकि मैं आप लोगों की गलती, अनुज की आईडी से बच्चा है, वेरी गुड बेटा। चलो मैंने क्या बताया आपको, पहले एक नंबर जो दीवन है वो लिख लो, मेरा ये है 0.351। अब मैंने दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया 35, तो मैंने यहाँ लिख दिया 35 और इसके बाद क्या है 203, ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने इनको ऐड कर दिया तो 2, 3 और 1, 4 है ना, 5 और 0, 5, फिर 3 और 2, 5, फिर 5, फिर 3, तो कितना आया 35.554, ये हमारा क्या हुआ बच्चे, आंसर हुआ। क्या आप कोई भी नंबर आ जाए आपके पास ऐड कर सकते हो, यस और नो, सभी बच्चे बता दो जरा मुझे, यस और नो, किसी भी तरह का नंबर हो आपके माइंड में, क्लियर है कि मुझे दशमलव के नीचे पहले दशमलव है, बाई तरफ जितने अंक है पहले वो लिख दो, बाई तरफ है वो लिख दो, फिर सिंपल ऐड कर दो, क्या किसी बच्चे को डाउट? चलो अब देख लेते हैं बेटा, क्या मैंने बताया, अब देख लेते हैं घटाव, बेटा घटाव भी सेम है, घटा करना भी सेम है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को घटाना है 4.28 है ना, 0.2 से इससे घटाना है, ठीक है, सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर लिख लो है ना, और बिंदु लगा के जिसके नीचे जो है वो लिख लो पहले, फिर घटा का निशान लगा दो, मतलब माइनस का, और माइनस जैसे होंगे कर दो, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब जीरो है, 8 में से 0 गए 8 आएगा, 2 में से 2 गए 0 आएगा, 4 में से 0 गया 4 आएगा, सिंपल जैसे घटाते हो। क्या मेरी बात समझ आई है कि कैसे हमने घटाया है, यस और नो, यस और नो? वेरी गुड, चलो फिर ठीक है, ये तो आप सभी को पता लग गया। चलो फिर मुझे एक नंबर दो, मुझे एक नंबर का आंसर दो।
मेरे पास बेटा नंबर है यस 38, मतलब 38.259। इसे घटाना है आपको, है ना, इसमें से घटाना है 3.05। चलो घटा दो जरा, क्या आएगा बता दो जरा। ठीक है, मेरे एक बच्चे का आया, वेरी गुड। ठीक है चलो दिखा दो जरा फिर, कैसे कर रहे हो आप लोग, मुझे भी तो दिखना पता लगना चाहिए। सुनीता की आईडी से बेटा दिख नहीं रहा, पीछे करो थोड़ा, ब्लड आ रहा है, ब्लर ब्लर मतलब दिख रहा है। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। ठीक है वेरी गुड। झांगरा गर्ल के आईडी से जो बच्चा है, प्रीति पुनिया के आईडी से, वेरी गुड बेटा। अमन कालरा के आईडी से, वेरी गुड। दर्शन गौतम के आईडी से, वेरी गुड। डॉक्टर रमेश के आईडी से, वेरी गुड। अनु के आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अनुज के आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मतलब सभी को समझ आया है। सुनील पुनिया की आईडी से बच्चा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुलदीप की आईडी से बेटा क्या लिखा है ये मुझे दिख नहीं रहा, थोड़ा पीछे करो, कॉपी पीछे करो, मुझे आपकी कॉपी नहीं दिख रही, और पीछे करो, मुझे अभी दिख नहीं रहा कहाँ पर करा है आपने। आप नीचे लिख रहे हो और मुझे ऊपर वाली कॉपी दिखा रहे हो बेटा, नहीं दिख रहा मुझे, ढंग से दिखाओ कॉपी, क्या कर रहे हो आप मुझे दिखाओ जरा। यस अब दिखेगा बेटा, काट क्यों दिया, करते हुए काट दिया आपने तो। हाँ बेटा बताओ जरा मुझे, अगर नहीं समझ आया तो बेटा मैं समझाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शमशेर सिंह की आईडी से बेटा कॉपी पीछे करो, थोड़ा दूर करो, थोड़ा और दूर, थोड़ा और, बेटा एक डिस्टेंस बनाना पड़ता तब दिखता है। कैमरे को थोड़ा लेफ्ट करो, दिख नहीं रहा मुझे, थोड़ा और उस तरफ, हाँ वेरी गुड बिल्कुल सही। चलो अब देख लेते हैं। सो बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है अभी बंद कर लो सभी बच्चे कैमरा, अब देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो बेटा मैंने क्या बताया, सिंपल मैंने आप लोगों को क्या बोला है, आप पहले नंबर लिख लो, एक नंबर जो है, दूसरा नंबर जो है पहले दशमलव लगा लो, उसके दाई तरफ 3, उसके बाद 0, 5। अब नॉर्मली घटाते हैं, 9 में से 0 गए 9 आएगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 8 में से 3 गया 5, और 3 में से तो कुछ 0 ही है, तो 35.2909। तो सभी बच्चों ने सही किया था, वेरी गुड बच्चा, है ना सही बिल्कुल। अभी आप सभी को ये समझ आ गया कैसे हमें जोड़ना है और कैसे हमें घटाना है, यस और नो। किसी बच्चे को डाउट, किसी बच्चे को डाउट, क्या मैं पोल में क्वेश्चन पूछ लूं तो सही आंसर करोगे, यस और नो। चलो फिर देखते हैं, अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपको जोड़ना है 15.78 को जोड़ना है 23.59 से, ठीक है चलो जोड़ दो जरा, पहले कॉपी में करना उसके बाद पोल में करना। शिव कुमार बेटा मैंने आपको देख लिया और अच्छे से पता लग गया आप हो, बंद करो कैमरा। चलिए सभी बच्चे पहले कॉपी में करिए, उसके बाद जाके पोल में करिए। मैम पोल नहीं चल रहा है, पोल नहीं चल रहा एक मिनट दीजिए, फ्रीज हुआ ये, एक मिनट देना मेरे को, एक मिनट। यस अब आ गया होगा बच्चों, एक बार चेक करो, सभी बच्चे चेक कर लेना।
गया बस मैम आ गया। ओके ओके कंटिन्यू डन मैम। वेरी गुड। जो जो बच्चे करते जा रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों मेरे पास नाम के साथ आ रहा है, डोंट वरी कर दीजिए बस आप, बहुत बढ़िया। बेटा पहले कॉपी में कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है, जल्दबाजी की रेस नहीं है यहाँ पर, सही आंसर करने की है ना। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी बच्चे करेंगे बेटा, पहले कॉपी में करो उसके बाद पोल में करना। अभी हमने देखा था कैसे हमें करना है ना, सभी ने देखा था हमें कैसे करना है, कैसे हमें दशमलव को एक दूसरे दशमलव से ऐड करना है। दशमलव को दशमलव के नीचे लिख लो, दाई तरफ वाले अंकों को दाई तरफ को, बाई वाले अंकों को बाई करो। नॉर्मली जैसे हम जोड़ते हैं वैसे बेटा जोड़ दो। सभी बच्चे करेंगे प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी बच्चे कर दीजिए। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं। वेरी गुड, आराम से पहले कॉपी में करो उसके बाद पोल में करो, जल्दबाजी की रेस नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ सही आंसर करने की है। वेरी गुड बेटा वेरी गुड बच्चों। सभी बच्चे कर देंगे, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए बेटा, कर दीजिए सभी बच्चे कर दीजिए प्लीज। जिनका हो गया वेरी गुड। मेरे अभी तीन चार बच्चे और बचे हुए हैं बेटा, आप लोग भी कर दीजिए, पहले पोल में कर पहले कॉपी में कर लो, अगर टाइम चाहिए तो मुझे बता दो, मैं और टाइम दे दूंगी। वेरी गुड, चलिए 5 सेकंड और दे देती हूँ। जो मेरे एक दो तीन बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दो, पहले जोड़ दो और उसके बाद आंसर पोल में कर दो, ठीक है। 5 4 3 2 1 0। चल पोल को करते हैं बेटा ऑफ और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है बेटा। सबको आंसर करना है, जैसे हम डिस्कस करते हैं कि हर एक का आंसर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा आंसर करेगा। हमने देखा बेटा, मैंने आपको बताया था पहला एक अंक लिख लो, दूसरा वाला जो है उसके नीचे आ जाएगा आपका दशमलव के, है ना। ये तो एक जैसे सिंपल जोड़ दो, 8 और 9 कितना होगा 17, 17 का 7 1 हासिल, 5 12 और 1 13 3 हासिल, 1 तो दशमलव की जगह पे दशमलव है ना, और ये 9 और 3 तो कौन सा आया, कितना आया 39.37। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे ही घटाना है, ऐसे ही जोड़ना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिख दो, दाई तरफ वाली दाई तरफ, बाई तरफ वाली बाई तरफ, वेरी सिंपल। और नॉर्मल जैसे हम अंकों को घटाते हैं जोड़ते हैं वैसे कर दो। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो? एक और क्वेश्चन पूछ लो जरा, बता दो जरा चैट सेक्शन में, यस और नो? चलो फिर बता दो जरा बच्चों। मेरे पास क्वेश्चन है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है ना, मतलब ये क्या कहता है, एक मजदूर है, एक मजदूर है, ठीक है, एक मजदूर पहले दिन, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, पहले दिन क्या करता है, पहले दिन कमाता है 85 रुपए 2 5 रुपए, ठीक है। दूसरे दिन उसने कमाए, दूसरे दिन उसने फिर काम किया, दूसरे दिन उसने कमाए 72.50 रुपए, फिर आप उसने तीसरे दिन कमाए 46.25 रुपए। आपको ये बताना है उसने कुल कितने रुपए कमाए हैं,
कितने रुपए कमाए हैं, तीनों को ऐड कर देना है। सिंपल कर दीजिए, और पहले कॉपी में करिए, उसके बाद बेटा पोल में करना है। ठीक है, पहले आपको कॉपी में करना है, फिर पोल पोल गया, में पोल करना है। ठीक है बेटा, गया, पोल गया। आ गया बेटा पोल, पहले आप कॉपी में कर लीजिए, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, सभी को बता रही हूं मैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। रोहन लाल की आईडी से जो बच्चा, बेटा अनम्यूट करना जरा, रोहन लाल की आईडी से जो बच्चा है। बेटा इतनी लेट क्लास क्यों ज्वाइन की है, और बच्चे इतनी लेट क्लास क्यों ज्वाइन किया आपने, कोई स्पेसिफिक रीजन है तो मुझे बता दो बेटा। हाँ पता होना चाहिए ना मुझे भी। बेटा आपको गिवन है, एक मजदूर है, उसने 3 दिन काम किया है, पहले दिन उसने इतने रुपए कमाए, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन इतने, आपको ये बताना है उसने कुल कितने रुपए कमा लिए, तो आपको तीनों को ऐड कर देना है। सिंपल कर दीजिए बेटा, ध्यान से कीजिए प्लीज। एक तो आप लेट ज्वाइन करते मैम हैं, लेट ज्वाइन करते हैं, फिर क्वेश्चन गलत करते हो। बेटा ऐसे मत करो, पहले कॉपी में कर लो प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, पहले कॉपी में करो फिर पोल में जाके करो। कोई भी आंसर ऐसे मत दबाओ प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। सिंपल बेटा, आपको पता है कैसे हम जोड़ते हैं, जैसे अंकों को, नॉर्मल अंकों को जोड़ा जाता है, वैसे ही हमारे दशमलव भी जोड़े जाते हैं, बस दशमलव डन के मैम, दशमलव आ जाएगा। वेरी गुड बच्चों, जिनका होता जा रहा है वेरी गुड। अभी भी मेरे बहुत डन बच्चे बचे हुए हैं, सभी कर देंगे। हाँ बच्चे, नाम के साथ, बेटा मेरे पास नाम के साथ आ जाता है, तो डोंट वरी। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी मेरे बहुत बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए बच्चों। टाइम चाहिए तो मुझे बता देना, कोई बात नहीं। मैम टाइम चाहिए मैम। ठीक है, ठीक है। मैम वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, अभी भी मेरे बहुत बच्चे बचे हुए हैं। बच्चों प्लीज पहले देख लो आप क्या आंसर कर रहे हो, पहले ऐड कर लीजिए कॉपी में, पहले कॉपी में कर लीजिए। सभी बच्चे करेंगे, मेरे मुझे सबका आंसर चाहिए। निखिल की आईडी से जो बच्चा है, बच्चा अनम्यूट करना। निखिल, निखिल की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो जरा। जो बच्चे इतनी लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन सभी को बता दूं कि आप इतनी लेट क्लास ज्वाइन मत किया कीजिए, टाइम से क्लास को ज्वाइन किया कीजिए। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका रेगुलर ही यही है कि वो बिल्कुल 10-15 मिनट की क्लास पहले ज्वाइन करते हैं। बच्चे सभी बच्चे आंसर करेंगे मेरे, अभी काफी बच्चे बचे हुए हैं। दशमलव को जोड़ना है 85.25, उसको फिर आपको गिवन है 72.50 और 46.25। कर दीजिए सभी बच्चे, अभी भी मेरे बहुत बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए। बच्चे सबका आंसर चाहिए मुझे। कर दिया मैम। वेरी गुड, और भी बच्चे बेटा बचे हुए हैं, कर दीजिए सभी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो मेरे बच्चे बचे हुए हैं, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1, जीरो। क्या कोई ऐसा बच्चा जो कर रहा है अभी?
ठीक है चलो चैट को कर देते हैं ऑन और अब देख लेते हैं इसका आंसर। बेटा कुछ नहीं था, वेरी सिंपल, उसने 3 दिन काम किया, उसको टोटल कितने रुपए मिले, हमने दोनों तीनों को क्या करा, सिंपल जोड़ दिया। ठीक है, और जोड़ना तो हर एक बच्चे को आता है, कैसे हमें इसे जोड़ना है ना। आपने क्या किया, 5 और 5 10 0, हासिल 1, है ना। क्या होगा यहाँ पर, 5 और 4 9 और 1, हासिल, है ना, और इनको जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 204। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। टोटल उसने कितने रुपए कमाए, 204 रुपए। सिंपल, जो से हम नॉर्मल जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ दो और बस दशमलव के स्थान पर दशमलव भी लगा दो। ठीक है, जैसे हमने जोड़ना देखा था वैसे ही हमने अभी घटा करना भी देखा था। तो चलो मुझे एक घटा का क्वेश्चन भी बता दो, सब्ट्रैक्ट करने का क्वेश्चन। में इसका क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी को पोल में देना है बच्चे। आपको घटाना है 82.4 में से 7.81। ठीक है, 82.4 में से 7.81 इसको घटाना है। सभी को पता है कैसे घटाना है, इसमें कुछ नहीं है, आपको पता है जीरो लगाना है और यहाँ से नॉर्मल जैसे घटाते हैं कि उससे साथ वाले से उधार लेते हैं, कर दीजिए। ठीक है, ओके ओके बेटा, ठीक है, ओके सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था क्योंकि बहुत बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए मैंने पूछ रही थी, कोई बात। अगर आप लीव करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निखिल के आईडी से जो बच्चा है, चलो बाकी बच्चे सभी ठीक है बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, कॉपी में पहले कर लेना, मैं सभी को बोल रही हूँ इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम बाद दिया है आप पोल को, ताकि आप कॉपी में पहले कर लो। बच्चों प्लीज पहले कॉपी में कर लो, आप लोग गलत कर रहे हो। दशमलव के स्थान पे आपको पता है वहीं पे दशमलव लगाना है जहां पर होता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैम मेरे दादा एक्सपायर हुए हैं, इस यहाँ पे काम कुम करवाना पड़ता है, इसलिए मैंने क्लास लेट ज्वाइन की थी। हाँ बेटा मैंने देख लिया, ठीक है कोई बात, ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था बच्चों। अगर आपको अभी चाहिए टाइम तो आप लीव कर सकते हो बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, कर दीजिए सभी बच्चे, पहले कॉपी में जरूर कर लेना जैसे आपने मुझे दिखाया था जब हमने सीखा था कैसे हम दो दशमलव को घटाते हैं। वैसे मेरे दादा भी एक्सपायर हो गए। ठीक है, फिर सभी बच्चे कर देंगे बेटा, अभी सबका आंसर नहीं आया है। वेरी गुड, बच्चे आंसर मुझे सबका चाहिए। हाँ जितने बच्चे हमारे क्लास ज्वाइन किया हुआ है सबके आंसर चाहिए मुझे, कि अगर मैं 82.4 में से 7.81 को घटाऊंगी तो मुझे कितना मिलेगा। कर दीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी काफी बच्चे हमारे रुके बच्चे हुए हैं, सभी बच्चे कर दीजिए।
वेरी गुड। चलिए 5 सेकंड और दे रही है, जो मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं ना बेटा, आप लोग भी जल्दी से कर दीजिए, है ना। आपको क्या करना है, 82.4 में से घटाने 7.81, ठीक है। चलिए 5, 4, 3, 2, 1, 0, क्या मेरा कोई बच्चा ऐसा है जो अभी कर रहा है? बच्चे सभी बच्चे आंसर करेंगे, ये गलत बात है। हमारी क्लास का रूल है कि आंसर हर एक बच्चे को करना है, सही गलत बेटा हम बाद में देखेंगे। सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, कि आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि आप वो क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। और गलत होगा तो बेटा आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हमने कहाँ पर गलती करी थी, ठीक है। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है, चैट को कर देते हैं ऑन। चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था, ठीक है। मैंने देखा यहाँ जीरो है, तो बेटा मैं यहाँ जीरो में से तो एक घटा नहीं सकती, मैंने एक इससे ले लिया, मेरे पास एक आ गया, और यहाँ 3 हो गया, 10 में से 9 एक गया, 9 आ गया, 3 में से 8 नहीं जा सकते, इसने एक इससे ले लिया, इसके पास एक हो गया है, 13 बन गया, 13 में से 8 गए, 5 आया, फिर क्या है दशमलव, तो मैंने दशमलव लगा दिया। अब एक में से 7 नहीं जा सकता, इसने एक इसको दे दिया, तो 11 में से 7 गए 4, अब यहाँ 7 बचा, तो कितना आया 74.59। अब बहुत बच्चों ने ना क्या किया कि दशमलव यहाँ पर लगा दिया, 2 बच्चों ने ये आंसर सही कर दिया। बेटा जहां पर दशमलव है सेम उसके नीचे लगा दो, आपको यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को? यस और नो, यस और नो जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। क्या कोई डाउट है अभी भी मेरे किसी बच्चे को कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? अगर एक एग्जाम्पल की जरूरत है मैं दोबारा से बता दूंगी, एक एग्जाम्पल बता दो जरा। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दे दीजिए, है ना, एक क्वेश्चन का और आंसर दो सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, रमेश ने 7.75 रुपए के आलू खरीदे। मतलब ये क्या है, और कहने का मतलब क्या है, रमेश ने ना 3 चीजें खरीदी हैं, ठीक है, आलू खरीदे हैं उसने, ठीक है, 7.75 रुपए के, गोभी खरीदी है 4.50 रुपए की, ठीक है, और धनिया खरीदा है उसने 0.25 रुपए का, ठीक है बच्चे। और उसके पास ना पैसे कितने थे, कुल पैसे थे उसके पास, कुल रुपए थे उसके पास 15 रुपए, ठीक है, 15 रुपए उसके पास है, उसने ये चीजें खरीद ली है। अब आपको ये बताना है कि उसके पास कितने रुपए बचे हैं, ठीक है, उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो आपने 3 चीजें खरीदी, तो पहले तीनों को जोड़ दोगे, है ना, और फिर 15 में से घटा दोगे, तो उतने रुपए उसके पास बचे हैं। आपने 15 रुपए थे, 15 में से 3 चीजें खरीद ली, अब उनको जोड़ के देख दो और उसमें से 15 में से घटा दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि उसके पास कितना कितना उसके पास बचे हैं। चलो बच्चों पहले कॉपी में जरूर कर लेना, पहले कॉपी में कर लेना, उसके बाद जोड़ना, उसके बाद पोल में करना। उसने 3 चीजें खरीदी थी, उसके बाद 15 रुपए थे, अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं ये आपको बताना है। वेरी गुड, डन मैम, डन, वेरी गुड बच्चों, जो जो करते जा रहे हैं सबका मेरे पास नाम के साथ आ रहा है, तो डोंट वरी, वेरी गुड। यहाँ पर जल्दबाजी की रेस नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ सही आंसर करने की, टाइम लो फिर मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। Done, ma'am. Very good. अब अनु कुमारी की स्पीड बढ़ गई है, वेरी गुड बेटा। बेटा ध्यान से कीजिए, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, पहले आप देखो गोभी आलू धनिया उसने कितने कितने का खरीदा, उनको पहले जोड़ दो, उसके बाद 15 में से घटा दो, ठीक है। और 15 का मतलब, अगर 15 है तो इसका मतलब ये भी होता है ना, 15 का मतलब है 15.00, उसके बाद तो दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगा दो, तो उसे भी ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना।
और उसके बाद जो आंसर है उसे घटा दो। ठीक है बच्चों, ये चीज सभी को ध्यान रखनी है, थोड़ा ध्यान से कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। पहले आराम से कॉपी में करो, उसके बाद पोल में करना। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा ध्यान से कीजिए प्लीज सभी बच्चे, अगर डाउट आ रहा है तो मुझे पूछ लो। आपके पास 15 रुपए थे, आपने उसमें से आलू खरीद लिए, गोभी खरीदी, धनिया खरीद लिए, अब आपको ये बताना है आपके पास कितने रुपए बचे हैं, है ना? तो सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे हमारे रुके हुए हैं। पहले कॉपी में आराम से कर लो, उसके बाद पोल में करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी बहुत बच्चों का नहीं आया है। बच्चों अभी भी मेरे कई बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए। अगर टाइम चाहिए तो बेटा बता दो, मैं टाइम दे दूंगी। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, अभी मेरे एक दो तीन बच्चे और बचे हुए हैं बेटा, आप लोग भी कर दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से कर दो। जल्दी से कर दीजिए, चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना था जोड़ना, है ना? अगर मैंने बेटा इसको जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 5 और 5 10 0 हासिल 1, है ना? और ये कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 और 1 13 14 15 का 5 हासिल 1, है ना? और यहाँ से आ गया 12, तो उसके इतने रुपए खर्च हुए। अब आप कंफ्यूज कहाँ हो रहे होंगे कि आप 15 को कैसे घटाओगे। बेटा 15 नहीं है तो उसके पीछे दशमलव लगा के 0 0 लिख दो, है ना? और 12.50 घटा दो तो आपके पास कितना आएगा, एक इसने इससे ले लिया, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ कितना बचा, 4 4 में से 2 गए 2, तो 2.50, 2.5 रुपए उसके पास बचे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मेरे कुछ बच्चों ने बहुत सही आंसर किया बट फिर भी मेरे 2-3 बच्चों ने आंसर गलत कर दिया। बेटा ध्यान से किया करो। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड।